हेलो बच्चों, आज आप के लिए लेके आए एक केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बच्चों, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने इक्विलिब्रियम पर होने वाले चेंजेस के बारे में बताया था। तो आइए जानते हैं क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। फ्रेंच केमिस्ट ली चैटलियर क्लियर्ड द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, इनर्ट गैस एडिशन ऑन इक्विलिब्रियम इन अ प्रोसेस। बच्चों, इक्विलिब्रियम अपने आप को कैसे शिफ्ट करता है? जब इक्विलिब्रियम प्रोसेस में कंसंट्रेशन चेंज किया जाए या प्रेशर चेंज किया जाए या टेम्परेचर चेंज किया जाए या उसके अंदर इनर्ट गैस को ऐड किया जाए, ये सब बताया था फ्रेंच केमिस्ट ली चैटलियर ने। According to him, if in a process at equilibrium any change is made in temperature or pressure or concentration, then equilibrium shifts itself in the direction to undo the effect of the change. बच्चों, होता क्या है कि ली चैटलियर ने बताया कि अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है और आप कोई चेंज करते हैं टेम्परेचर में या प्रेशर में या कंसंट्रेशन में, तो इक्विलिब्रियम जो है अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है ताकि जो आपने चेंज किया है उसका इफेक्ट जो है वो अनइफेक्ट हो जाए या अंडू हो जाए। अब देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी अगर आप कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा, रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। दो पॉइंट आएंगे आपको याद रखना है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों, अगर आप एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें सपोज मैं यहाँ पे रिएक्शन लेता हूँ R इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट, ये सिंपल सा मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो आप देखिए कि पहले इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लगभग सेम थी, ऑलमोस्ट इक्वल थी, लेकिन कंसंट्रेशन अब इधर ज़्यादा हो गई है, इधर कम हो गई है। तो कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए, इक्वल करने के लिए अब ये रिएक्शन वापस तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तब तक जाएगा कि जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो आप ही बताइए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड। बिल्कुल सही, तो यही तो हम कह रहे हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब ये फॉरवर्ड में जाएगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको पता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा और फॉरवर्ड का बढ़ जाएगा। फेवर्स द प्रोसेस, ये बहुत एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। वो बोलेगा कि कौन सी कंडीशन, क्वेश्चन देके पूछता है कि कौन सी कंडीशन इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को फेवर करेगी। तो बच्चों, फेवर का मतलब होता है फॉरवर्ड, यानी कि प्रोडक्ट का ज्यादा बनना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कंसंट्रेशन में किधर मैं चेंज करूँ, क्या चेंज करूँ जिससे ये प्रोसेस, ये रिएक्शन को फेवर करे, तो आपको सिंपली ये बोलना है कि सर, अगर आप रिएक्टेंट ही कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो ये प्रोसेस को फेवर करेगा, मींस ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब वही कंडीशन है, अगर मैं इस बार प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं इक्विलिब्रियम पर, तो होगा क्या कि इधर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और इधर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए, इक्वल करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, सर बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड क्यों जाएगा, ताकि इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाए और दोनों की इक्वल हो जाए। तो क्लियर हुआ आपको? तो अगर मैं प्रोडक्ट की बढ़ा देता हूं तो उससे रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी, क्लियर हुआ, और ये रिएक्शन को फेवर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ, तो इस एग्जांपल को देखिए, ऐसे एग्जांपल आते हैं और नीचे वो आपको ऑप्शन देगा, पूछेगा कि भाई कौन सी कंडीशन को फेवर करेगी। तो PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। मैंने क्या किया, PCl5 यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, या फिर अगर मैं, आप बताइए कि मैं अगर इसको बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड, यानी PCl3 और Cl2 ज्यादा मिलेगी। अगर मैं PCl3 और Cl2 को बाहर निकाल लेता हूं एनी हाउ, तो क्या होगा सर, रिएक्शन में, प्रोसेस में इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, ये इन दोनों का निकालना भी इस रिएक्शन को फेवर करेगा और ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, यानी कि ज्यादा PCl3 और Cl2 बनेगा। क्या आपको क्लियर है? तो यही दिखाया हुआ है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 फेवर्स द प्रोसेस एंड शिफ्ट्स इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो वो अक्सर पूछ लेता है, तो आपको ये तो याद ही रखना है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रिएक्शन को फेवर करेगा, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं तो ये भी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कराएगा, प्रोसेस को फेवर करेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। आप जानते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक कहलाती है, और इन उन प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर कम रखते हैं या डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन को फेवर करेगा, रिएक्शन ज्यादा जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी कंडीशन ये होती है कि एंडोथर्मिक अगर आपकी रिएक्शन है तो उसमें आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल से जरूर क्लियर हो जाएगा। ये हमारा अमोनिया प्रोसेस है बच्चों, हैबर प्रोसेस है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, मेडिकल में तो बहुत ज़्यादा आता है, इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने सिंपली N2 गैस और H2 गैस को मिक्स किया हुआ है, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा अमोनिया प्रोडक्ट है। अगर मैं पूछूँ कि प्रोसेस को क्या फेवर करेगा तो प्रोसेस को फेवर करेगा ज़्यादा अमोनिया का बनना, और ज़्यादा अमोनिया कब बनेगी, जब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप ही बताइए कि रिएक्शन को देख के आप बताइए कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो आप देखिए प्रोडक्ट के साथ में हीट भी बाहर आ रही है, और जो हीट एनर्जी बाहर आती है इट इज इक्वल टू -22.4 किलो कैलोरी पर मोल। सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए टू फेवर द प्रोसेस, टू फेवर द रिएक्शन, तो इसका आंसर ये होगा कि सर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर लो करना चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। टेम्परेचर को अगर आप डाउन करेंगे, डिक्रीज करेंगे, लो करेंगे तो प्रोसेस जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड का मतलब है ज्यादा अमोनिया मिलेगी। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आया हुआ है एग्जाम में ये। अब लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में दो कंडीशन होती है बच्चों, इनको वन बाय वन कर डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इफ एन आर इज इक्वल टू एन पी देन नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बाय चेंज इन प्रेशर। सर ये क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन आर का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और बच्चों एनपी का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। क्या ये क्लियर है आपको? अब एक रिएक्शन से आपको क्लियर करते हैं। इस रिएक्शन देखिए, H2 गैस प्लस I2 गैस कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम में चला गया है, 2 मोल HI का बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे पूरी रिएक्शन कैसी है, सर गैसियस है। क्या ये क्लियर है आपको? तो यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल हैं, तो गैसियस रिएक्टेंट के मोल हैं 2, एक मोल ये रहा गैसियस रिएक्टेंट का, एक ये रहा। तो आप बताइए यहाँ पे NR का नंबर क्या है, NR का नंबर है 2। क्लियर हुआ आपको? एक और एक 2 मोल हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 2 होंगे, एक I2 गैस का, एक H2 गैस का। अगर मैं पूछूं कि सर यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पे 2 है, तो दोनों का नंबर 2 है। तो इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में अगर आप प्रेशर चेंज भी करने वाले हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज हियर। अब इसको देखिए, इफ एन आर इज नॉट इक्वल टू एन पी, यानी कि जो गैसियस मोल है रिएक्टेंट के और जो गैसियस मोल है प्रोडक्ट के, अगर वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो प्रेशर इफेक्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कराएगा। इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन हैविंग लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल। अगर प्रोसेस में आपके नंबर ऑफ जो गैसियस मोल है प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के वो इक्वल नहीं है, तो और वहां पर आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर जो आपका इक्विलिब्रियम है ये उस डायरेक्शन में चला जाएगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम होंगे। क्लियर नहीं हुआ सर? तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे PCl5 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए NR क्या है,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एक है, रिएक्टेंट तो हमारा गैसियस एक मोल है। अगर मैं पूछता हूँ एनपी क्या है, तो आप बताइए कि यहाँ पे जो गैसियस मोल है प्रोडक्ट के वो कितने हैं, तो सर दो हैं, PCl3 और Cl2 दोनों गैसियस हैं, एक मोल ये रहा और एक मोल ये रहा, तो कितने हो गए सर, दो मोल हो गए एनपी के। तो आप बताइए कि क्या दोनों मोल इक्वल हैं, सर दोनों मोल इक्वल नहीं है। तो यहाँ प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे किधर नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा है या कम है। तो आपने कहा कि सर मुझे तो कम वाला देखना है, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल जो है वो कम है किस साइड, रिएक्टेंट साइड। तो ये अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे इस प्रोसेस में तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, यानी प्रेशर बढ़ाने से आपको PCl5 ज्यादा मिलेगा और PCl3 और Cl2 की अमाउंट कम मिलेगी, यानी प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो ये कंडीशन फेवर नहीं करेगी। बच्चों इसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट ये हुआ डिक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से तो बैकवर्ड जा रही है और हमें देखना है कि प्रोडक्ट को या रिएक्शन को फेवर क्या करेगा। तो प्रोडक्ट का ज्यादा बनना या रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना तब पॉसिबल होगा जब प्रेशर आप यहाँ पे लो रखेंगे, कम रखेंगे। क्या ये क्लियर है, तो हाई प्रेशर फेवर नहीं करेगा, लो प्रेशर फेवर करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब लेते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। अगर मैं आपको ब्रीफ में कहूं कि प्रेशर इफेक्ट अगर आपको क्लियर हो गया है तो उसका रिवर्स यहां पे होता है, बस इतना ही हिंट काफी है उन लोगों के लिए जिनका दिमाग तेजी से चलता है। इनर्ट गैस एडिशन शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन हैविंग हायर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स When NP is not equal to NR, बच्चों inert gas addition से equilibrium shift हो जाता है उस direction में जहां पर number of gases mole ज्यादा होते हैं। Pressure में क्या हुआ था सर, अगर आप pressure आपने बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में गया था जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल कम थे, लेकिन ये उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मोल ज्यादा होंगे। क्लियर है आपको, और ये तभी पॉसिबल है जब एनपी और एनआर इक्वल ना हो। अभी एग्जांपल लिया हुआ है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 2 मोल ऑफ SO2 गैस प्लस O2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 मोल ऑफ SO3 गैस। अब यहाँ पे आप बताइए कि किधर एनपी या एनआर का नंबर क्या है, तो एनपी का नंबर कितना हुआ बच्चों, 2 प्लस यहाँ पे एनआर बोलेंगे, तो एनआर का नंबर क्या हुआ, 2 + 1 = 3। अगर मैं बोलता हूँ कि बच्चों बताओ एनपी कितना है, तो 2 है, तो आप बताइए किधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, गैसियस मोल किधर ज्यादा है, तो आपने कहा लेफ्ट साइड में ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे बाहर से कोई इनर्ट गैस हीलियम या नियोन या आर्गन ऐड करते हैं तो ये इस रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जिधर हायर नंबर ऑफ मोल, यानी बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन ज्यादा। तो रिएक्शन में ज्यादा कौन मिलेगा, SO2 और O2 गैस ज्यादा मिलेगी और आपका प्रोडक्ट जो SO3 है वो आपको कम मिलेगा। क्या आपको क्लियर है, अगर आपको रिएक्शन को फेवर करना है या SO3 ज्यादा बनाना है तो आपको यहाँ पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस नहीं करना है, क्योंकि करेंगे तो ये रिएक्शन को उधर ले जाएगा जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा, यानी बैकवर्ड। तो क्या ये आपको क्लियर है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ली चैटलियर प्रिंसिपल। बच्चों इसको पॉज कीजिएगा, देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको देखने के करने के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ली चैटलियर प्रिंसिपल हर एक एग्जाम में आता ही आता है। क्लियर है आपको, तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।